बाजार के आगे आउटलुक पर बात करते हुए पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल ने कहा कि कंपनियों के Q2 नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। बाजार इसलिए गिरा है क्योंकि भारतीय कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ अच्छी नहीं थी। Q2 नतीजों के खराब होने के कारण ये भी एक साइक्लिकल स्लोडाउन से निकल रही है। स्ट्रक्चरल स्लोडाउन कंजम्पशन नहीं है। इकॉनमी में COVID-19 के बाद से जोरदार बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते ये 2 से 3 क्वार्टर में स्लोडाउन आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर बाजार में फुली इन्वेस्टेड है तो वे फुली इन्वेस्टेड रहे। 6 महीने में निवेशकों को मिलेगा निवेश का अच्छा मौका। अभय अग्रवाल ने आगे कहा कि अगले 6 महीने में निवेशकों को निवेश करने के लिए काफी अच्छे मौके मिलेंगे, लिहाजा लंबी अवधि के निवेशक डरे नहीं। बाजार में साइक्लिकल स्लोडाउन हर 4 से 5 साल में होते हैं, जो निवेशकों को बेहतर निवेश के लिए मौके देते हैं। भारतीय बाजार में FII का पैसा वापस आएगा, ऐसे में निवेशकों को अगले 5 साल के लिए कहां मौका है वो ढूंढे, ना कि इस गिरावट को लेकर डरे। अभय अग्रवाल ने आगे कहा कि इकॉनमी में स्लो डाउन आने के बाद लोग अपने कंजप्शन के पैटर्न में बदलाव करते हैं। नेशनल लेवल ब्रांड से हटकर लोग लोकल ब्रांड की तरफ झुकाव करते हैं। ब्रिटेनिया जैसी कंपनियां ये शिकायत कर रही हैं कि अर्बन स्लो डाउन है। ये स्लो डाउन सेक्टर का स्लो डाउन नहीं है, क्योंकि एक कंज्यूमर जितने बिस्किट खाता है वो उतने ही बिस्किट खाएगा। फर्क इतना है कि वह पैसे बचाने के लिए लोकल ब्रांड से बिस्किट खा रहा है। अभय अग्रवाल ने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में स्लो डाउन आश्चर्यजनक है, खासकर ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। ऑटोमोबाइल चैनल में डीलर्स के पास 80 दिन की इन्वेंट्री है। इसका इफेक्ट ये होगा कि दिसंबर जनवरी में ऑटो कंपनियां शट डाउन लेंगी। हालांकि ये 2 से 3 तिमाहियों की बात है, जिसमें माल निकलेगा और वापस आएगा। उसके बाद डीलर्स और SME फिर से कंजम्पशन शुरू करेंगे, क्योंकि उनका पैसा इन्वेंट्री में फंसे होने के कारण वे खुद कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। 6 महीने तक निवेशकों को थोड़ा सब्र करना होगा। इस समय बाजार में रैली करने के कोई ट्रिगर नहीं है।